ज्यादा मदद उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक वबा है। तो मेरा मशवरा है आपको, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपने घरों से फजूल बगैर किसी काम के, बगैर किसी इंपॉर्टेंट और ठोस वजह के अपने घरों से ना निकलें। और आज 23 मार्च अब्दुल हकीम में आज दूसरे रोज़ लगातार बारिश है, अभी बारिश कुछ थम गई है और ये इस टाइम अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ। तो अब मैं आपको कुछ शहर के मनाजिर दिखाऊंगा जो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है और महफिलें और रौनकें जहाँ लगती थी वो अड्डे वीरान पड़े हैं। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है और मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको इस वबा से महफूज रखे। लोग अभी भी ग्रुप्स बना के चल रहे हैं, कहाँ है पुलिस, कहाँ है गवर्नमेंट, 144 दफ़ा किधर गई। हमने सब कुछ बंद किया कि लोग इकट्ठे ना हो, और लोग अभी भी इकट्ठे होकर अपनी महफिलें पूरी कर रहे हैं। सो मेरी गुजारिश है सबसे, स्टे एट होम, स्टे सेफ। और ये जो मैंने आपको पिछली एक क्लिप ऐड किया है वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं, जाहिरी बात है जो बंदा हर टाइम बाहर रहता हो फिर उसके लिए 14 दिन घर में ढक के रहना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं बाहर पब्लिक प्लेस पे आके लूडो खेल के। सो मेरी फिर भी आवाम से यही गुजारिश है कि अपने घरों में रहिए, जिसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, जान है तो जहाँ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी मार्केट्स बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, कुछ इम्पोर्टेंट शॉप्स खुली हुई हैं लाइक एस बेकरीज और सब्जी और इस तरह की दुकानें, मेडिकल स्टोर वगैरह। जिस टाइम हम अब्दुल हकीम दरबार गेट पर मौजूद हैं, फिलहाल दरबार भी बंद है, आप देख सकते हैं इस टाइम भी दरबार का रास्ता ही सारा ख़त्म है, दरबार वैसे ही बंद है। इधर साथ ही ये जो गली नज़र आ रही है, इधर से मुड़ के दरबार साथ है, लेकिन दरबार फिलहाल वैसे ही बंद है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जी साहब ये आप देख सकते हैं ये अब्दुल हकीम मेन फैसलाबाद मुल्तान रोड है, जिसका ये हाल है। यहाँ से दिन में कोई 3600 बस गुजरती है और ये आप हाल देख सकते हैं। और आज 27 मार्च से बोला था, आज लॉकडाउन का तीसरा या चौथा दिन है, ये बसें खड़ी हुई हैं। ये आप इधर अब्दुल हकीम में कल भी बारिश लगातार थी और आज भी स्टिल अभी तक हो रही है बारिश, और लॉकडाउन की वजह से सारी रौनकें महफिलें खत्म। देख सकते हैं आप, दुकानें शुकानें सब कुछ बंद है, सिर्फ लोकली लोग कर रहे हैं सफ़र जो भी कर रहे हैं, अदरवाइज सब कुछ बंद है शहर में। ये अपने अब्दुल हकीम का सामने डाला ही पाया गया। पुलिस फिर रही है, कोई हाथी चढ़े